नमस्कार। आज हमारे साथ उपस्थित हैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी एवं महामहिम उड़ीसा के राज्यपाल डॉक्टर एस सी जमीर जी। मैं श्री विश्वभूषण हरिचंदन जी से अनुरोध करती हूँ कि वे पुष्प गुच्छ से माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करें, और श्री ज्वेल ओराम जी से अनुरोध करूँगी वे पुष्प गुच्छ से महामहिम राज्यपाल जी का स्वागत करें। भारत के लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी को देवभूमि तथा भारतवर्ष का आत्मा कहलाता जगन्नाथ देश उड़ीसा में तहे दिल से स्वागत करती हूँ। उनकी सदैव उपस्थिति इस कार्यक्रम को गरिमा मंडित किया है। महानुभाव, आपके मार्गदर्शन में भारत आज विश्व में अपना निर्धारित स्थान लेने में सक्षम हो पाया है। इतिहास के ये संधिक्षण में हम सब अपने आप को पाकर गर्वित हैं। महानुभाव, उड़ीसा की पवित्र भूमि हमेशा से साम्राज्यवाद के खिलाफ संघर्ष करते हुए रक्त रंजित रहा है। कलिंग युद्ध से लेकर सिपाही विद्रोह तक एवं आदिवासी विद्रोह से लेकर पाइक विद्रोह तक पिछले 200 सालों से उड़ीसावासी अत्याचार के खिलाफ लड़ते आए हैं। उड़ीसा के इसी अस्तित्व को बजाए रखने वालों को संवर्धित कर जनमानस में उन त्यागी बलिदानियों की गाथा को उज्जीवित करना आज के उत्सव का महत्व है। आपके द्वारा प्रारंभ किए गए तिरंगा यात्रा के परिप्रेक्ष्य में आज का ये सभा इन महापुरुषों के दायादों को सम्मानित कर रहा है। यहाँ उपस्थित दायादों को आग्रह करूँगी कि उनके नाम पुकारते ही वे आगे आएँ और माननीय प्रधानमंत्री जी से सम्मानित होने की कृपा करें। जय राजगुरु। 1803 में अंग्रेजों द्वारा उड़ीसा पर कब्जा किए जाने के तुरंत बाद जय राजगुरु ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दी। 1804 में अंग्रेजों ने उनको गिरफ्तार कर मेदिनीपुर में अति नृशंस तरीके से हत्या की। अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई में वे उड़ीसा के पहले व्यक्ति थे जिनको फांसी की सजा सुनाई गई थी। उनके नौवीं पीढ़ी श्री दयानंद महापात्रा आज हमारे साथ उपस्थित हैं। बख्शी जगबंधु विद्याधर महापात्रा भ्रमरवर राय, वे बख्शी जगबंधु के नाम से हर घर में परिचित थे और 1817 में ब्रिटिश के खिलाफ पहला सशस्त्र संगठित विद्रोह का नेतृत्व किया। उनकी अगुवाई में खुर्दा, पुरी, रणपुर, नयागढ़ से लेकर खलीकोट तक पाइक संगठित होकर अंग्रेजों को खुर्दा से सामयिक भगाने में कामयाब हो गए। ये 10 साल से ज़्यादा समय अंग्रेजों से गरिला युद्ध लड़ते रहे। आखिर में ये गिरफ्तार हुए एवं बारवटी दुर्ग में बंदी अवस्था में प्राण त्याग दिए। उनके पांचवीं पीढ़ी बख्शी ललितेंदु विद्याधर महापात्र, छठवीतम पीढ़ी उपासना महापात्र और चौथवीं पीढ़ी श्रीमती शुभलक्ष्मी महापात्र आज हमारे साथ उपस्थित हैं। दीनबंधु सामंतराय महापात्र, दीनबंधु सामंतराय महापात्र ये पाइक विद्रोह के नायक बख्शी जगबंधु के प्रमुख सहायक थे एवं उनके साथ साथ रहकर विद्रोह को परिचालित किया था। उनके पांचवीं पीढ़ी श्री मानवेंद्र महारथा आज हमारे साथ उपस्थित हैं। दामा सुबुद्धि मंगराज, दामा सुबुद्धि मंगराज ये भी बख्शी जगबंधु के सहयोगी में से प्रमुख थे एवं अपना नाम बदल बदल कर लोगों को अंग्रेजों के खिलाफ संगठित कर रहे थे। उनके पांचवी पीढ़ी श्री हतानाथ मंगराज आज हमारे पास उपस्थित हैं। सामंत माधव चंद्र राउतराय, आप तापंग के दड़बहरा थे एवं
पाइक विद्रोह को कुचला जाने के बाद आप संघर्ष जारी रखे थे। सीधे लड़ाई के बाद इन्होंने गरिला तरीके से अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते रहे। थे और दारूथेंगा के निवासी थे। ये अंग्रेजों की जेल से भागने के समय उनकी गोली से शहीद हो गए। उनकी चौथवीं पीढ़ी प्रफुल्ल बाहुबलेंद्र आज हमारे साथ उपस्थित हैं। कृतिवास पाटसाणी ये अपने अदम्य साहस और वीरता के साथ लड़ाई करते हुए अपना इलाका को अंग्रेज मुक्त घोषित किया था। उनके चौथवीं पीढ़ी प्रफुल्ल पाटसाणी आज हमारे साथ उपस्थित हैं। रेंडो माझी 1855 में कलाहांडी रियासत में इनके नेतृत्व में कंध जनजाति के लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ सशस्त्र आंदोलन किया, जिसको इन्होंने एक जन आंदोलन का रूप दिया। बाद में गिरफ्तार हुए एवं उनको फांसी की सजा सुनाई गई थी। उनकी चौथवीं पीढ़ी योगेश्वर माझी आज हमारे साथ उपस्थित हैं। वीर सुरेंद्र साय उड़ीसा के वरपुत्रों में से श्रेष्ठ, ये ब्रिटिश शासन के खिलाफ 30 से ज़्यादा साल तक लड़ते लड़ते रहे। सिपाही विद्रोह के पहले 1827 से लेकर 1864 तक वे अंग्रेजों को संबलपुर की मिट्टी से भगाने की कोशिश में लगे रहे। आखिर में अंग्रेजों ने छल पूर्वक उनको गिरफ्तार किया एवं उनकी मौत जेल में ही हो गई। उनकी पांचवी पीढ़ी लाल वीरेंद्र साय आज हमारे साथ उपस्थित हैं। माधो सिंह ये घेंस के जमींदार थे और सुरेंद्र साय जी से प्रेरित होकर पूरे परिवार के साथ अंग्रेजों के खिलाफ मोर्चा खोला। उनके चार बेटे 1865 तक लड़ते रहे एवं या तो फांसी के खंभे को चूम लिए या फिर काला पानी भेज दिए गए। उनकी सातवीं पीढ़ी रंजीत सिंह बरिहा आज हमारे साथ उपस्थित हैं। चक्की खुंटिया 1857 के स्वतंत्रता आंदोलन में ये झांसी रानी के कुल पुरोहित थे एवं राजगुरु होने के साथ साथ उनके सेना के साथ नज़दीक से काम किए। उनकी पांचवी पीढ़ी हजूरी भीमसेन खुंटिया आज हमारे साथ उपस्थित हैं। चक्र विसोई व दोरा बिसोई आधुनिक कंधमाल के कंध जनजातियों ने अंग्रेज के खिलाफ बड़ा आंदोलन किया था। इस आंदोलन का नेतृत्व पहले चक्र विसोई एवं बाद में उनके भतीजे दोरा बिसोई ने लिया था। इन दोनों कंध जनजातियों के लोगों को संगठित कर दो पीढ़ी तक अंग्रेजों से लड़ते रहे। उनकी पांचवी पीढ़ी श्री नेताजी बिसोई आज हमारे साथ उपस्थित हैं। रघुनाथ महंती व दिवाकर परिड़ा ये दोनों अभिन्न मित्र थे एवं रणपुर में अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन छेड़ते हुए उनका नेतृत्व किया। पॉलिटिकल एजेंट बेजलगेट साहब को 1939 में हत्या की एवं इसी सिलसिले में 1941 को भागलपुर जेल में फांसी पर चढ़ा दी गई। आज हमारे साथ रघुनाथ मोहंती के दूसरे पीढ़ी से दीप्ति कुमार मोहंती एवं दिवाकर परिड़ा के दूसरे पीढ़ी विक्रम परिड़ा हमारे पास उपस्थित हैं। लक्ष्मण नायक जनजाति के महान नेता, वे 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में अपने लोगों का नेतृत्व किया एवं इस कारण उनको फांसी चढ़ा दी गई। उनके तीसरे पीढ़ी मुकुंद नायक आज हमारे साथ उपस्थित हैं।
लक्ष्मी इंदिरा पंडा। म्यांमार में पैदा हुए इन्होंने नेताजी सुभाष बोस के आज़ाद हिंद फौज में शामिल हुए एवं अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ते रहे। उनके दूसरे पीढ़ी सुरेंद्र पंडा आज हमारे साथ उपस्थित हैं। इस कार्यक्रम के अंत में उड़ीसावासी एवं समस्त उपस्थित देवियों और सज्जनों से की ओर से प्रधानमंत्री जी का और अन्य उपस्थित अतिथियों का अपने बहुमूल्य समय देने के लिए हार्दिक कृतज्ञता अर्पण करते हैं। मैं आप सबको प्रणाम करता हूं। मेरे लिए ये सौभाग्य की पल है कि आज इतिहास का गौरवपूर्ण रूप से स्मरण किया गया है। मुझे खुशी इस बात की है कि इतिहास के इस महान बलिदान की गाथाओं को बनाने में जिनके पूर्वजों ने प्राण की बाजी लगा दी, उन परिवारजनों के दर्शन करने का सौभाग्य मिला है। मानव जात के विकास की यात्रा में जितना सामर्थ्य सपनों का होता है, उतना ही सामर्थ्य इतिहास के स्मरण का होता है। इतिहास एक जीवंत प्रेरणा होता है और मानव जाति को अपने सपनों को साकार करना है तो इतिहास के उन स्वर्णिम पृष्ठों के साथ अपने आप को जोड़े रखना चाहिए, उससे ऊपर उठने की कोशिश करनी चाहिए, उससे नीचे जाने का कभी भी किसी भी पीढ़ी में अवसर नहीं आना चाहिए। दुर्भाग्य से हमारे देश में आज़ादी के इतने बड़े संग्राम को कुछ ही वर्षों में सीमित कर दिया गया, कुछ ही परिवारों में सीमित कर दिया गया, कुछ ही घटनाओं में सीमित कर दिया गया, जबकि भारत की आज़ादी का आंदोलन जन जन का आंदोलन था, त्याग और बलिदान की घटनाओं से भरा हुआ आंदोलन था। लगातार 700-800 साल तक बलिदान की श्रृंखला चली थी। भारत जैसे स्वाभिमानी देश के लिए आवश्यक है कि हम उन सारी घटनाओं का स्मरण करें और इसलिए एक योजना भारत सरकार ने बनाई है। आपने देखा होगा हिंदुस्तान के जिन जिन राज्यों में जनजाति के लोग रहते हैं, उस राज्य में 100 साल पहले, 150 साल पहले, 200 साल पहले, 250 साल पहले अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ने का बीड़ा उठाया था जनजातीय लोगों ने। उनका योगदान अप्रतिम है और इसलिए भारत सरकार ने योजना बनाई है कि देश के 50 प्रमुख स्थानों पर जनजातीय लोगों ने आजादी के आंदोलन में जो योगदान दिया है उसको वर्चुअल म्यूजियम के द्वारा
पुनर्जीवित किया जाए, आने वाली पीढ़ी को पता चले कि आज भी जंगलों में जिंदगी गुजारने वाले, अभाव की जिंदगी जीने वाले इन जनजातीय हमारे पूर्वजों ने हम लोगों के लिए कितने बड़े बलिदान दिए थे। समाज के उपेक्षित इन वर्गों के सामर्थ्य को, शौर्य को, समर्पण को, त्याग को, तपस्या को आने वाली पीढ़ी जाने, समझे, सीखे, जिए, उस दिशा में प्रयास है। उड़ीसा इस पूरी संघर्ष यात्रा में सिरमौर रहा है, यहां की जनजातीय सिरमौर रही है। सैकड़ों लोगों ने फांसी के तख्त को चूमा है, हजारों लोगों ने जवानी जेल में गुजारी है। आने वाली पीढ़ी को इतिहास जीवित रखने के लिए ये वर्चुअल म्यूजियम की एक बड़ी योजना, अब टेक्नोलॉजी के कारण ये संभव हुआ है, उस पर काम चल रहा है और एक के बाद एक देश के अलग अलग राज्यों में जहां जनजातीय समुदाय ने आजादी के जंग का नेतृत्व किया है, उन घटनाओं को चित्रित करने का, उस समय के जैसे यहां बख्शी जी ने पूरा उस समय नेतृत्व दिया था, ऐसी घटनाओं को आज की पीढ़ी को बताना यह आवश्यक है। उस दिशा में काम होने वाला है। मैं फिर एक बार अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानता हूं, आप सबके आशीर्वाद बने रहे, आपके पूर्वजों के त्याग और तपस्या के अनुकूल 2022 में जब आजादी के 75 साल मनाएंगे, देश को उस दिशा में उनके सपनों वाला देश बनाने के लिए हम भरपूर प्रयास करें। आप सबको मेरी तरफ से जय जगन्नाथ।